आज मैं आपको ले चलती हूँ इतिहास के उन सफ़हों पर जहाँ क्रांति का शोर था, जहाँ कला का जोर था और नए रंग नई कल्पनाएं आकार ले रही थी। बात सन 1905 की, जब अवनींद्रनाथ की कल्पना ने अब उनकी तुलिका से आकार लेकर के पहली भारत माता की तस्वीर चित्र बनाई थी। हालांकि इस विचारधारा, इस सोच की नींव 1870 में बंकिमचंद चटर्जी ने रखी थी, जब अवनींद्रनाथ की ये पेंटिंग उस वक्त की एक मशहूर कला और संस्कृति की पत्रिका है प्रवासी, उसमें प्रकाशित हुई, तब इसके साथ नाम रखा गया मातृमूर्ति। अवनींद्रनाथ ने इसका नाम बंगा माता रखा था, यानी बंगाल की माता रख करके उन्होंने अपनी से श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन इस पेंटिंग ने कमाल कर दिया, क्रांति में आग में घी का काम कर दिया, राष्ट्रवादी सोच की भावनाएं जगाई और लोगों में इसका प्रचार प्रसार हो गया। जब राष्ट्रीय क्रांति से कला का ये गठजोड़ हुआ तो सिस्टर निवेदिता ने इसे नाम भारत माता दे दिया और फिर एक नया इतिहास रचा गया। खैर, ये तो मैं एक तस्वीर की, उनकी एक पेंटिंग की बात कर रही हूँ, और इस पेंटिंग के बारे में एक और खासियत मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये सौम्य पेंटिंग जो है, चार हाथों वाली एक सौम्य भगवा वस्त्र धारण की स्त्री की थी, जिसके हाथों में, चारों हाथों के अंदर एक हाथ में उनके किताब थी, एक में माला थी और एक में श्वेत वस्त्र था और धान था, या उस वक्त की हमारी अर्थव्यवस्था के द्योतक थे, भारतीय समृद्धि के द्योतक थे शायद। खैर, ये पेंटिंग, बेमिसाल पेंटिंग जो एक थी, मैंने बात की, लेकिन उनकी कई अनेक पेंटिंग्स हैं जो हमें आज भी शिक्षा देती हैं, हमें आज भी प्रेरणा देती हैं और बहुत कुछ सिखाती हैं। 1871 में जन्मे अवनींद्रनाथ गुरुदेव रविंद्रनाथ के भतीजे थे। जारासांको में इनका जन्म हुआ था, जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था उस वक्त। अविभाजित भारत में उन्होंने कला और संस्कृति का एक नया पौध रोपा था। खैर, और भी मैं इनके बारे में अगर आपसे बात करूं तो अवनींद्रनाथ जो हैं वो एक और नाम से जाने जाते थे, अनब ठाकुर, और ये नाम उन्हें मिला था उनकी कलम से। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें खिरेर पुतुल और आज मुझे एक और नाम याद आता है, राज कहिनी, जो बंगाल के बच्चों के लिए मील का पत्थर थी और बाद में दुनिया भर के बच्चों को उसने एक प्रेरणा दी। अवनींद्र ठाकुर की प्रारंभिक शिक्षा यूरोपीय टीचर्स के साथ हुई, उनकी शिक्षा पे यूरोपीय प्रभाव था, लेकिन वो भारतीयता के पोषक थे। उन्होंने राजपूत शैली और मुगल शैली के आधुनिकीकरण की मांग की थी और उन्होंने अपने जो स्कूल में, जहाँ वे प्राचार्य पद पे थे, वहाँ पर सारी पेंटिंग्स मुगल शैली और राजपूत शैली के लगवाए थे। उस वक्त एक विचारधारा और चल रही थी, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, कला और संस्कृति के आधार पे एशिया को एक करने की बात जो चल रही थी, वन एशिया का टैग जो चल रहा था, उसके तहत उन्होंने चीनी और जापानी कैलीग्राफी को अपनी इस शैली के अंदर शामिल किया था और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। उसी बंगाल ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट के और अवनींद्र के कई शिष्य थे, जिनमें आज मुझे एक नाम याद आता है, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्धर, ये तो कुछ नाम है। समय आने पे मैं और भी आपसे इन सब के बारे में बातें करूँगी, उनकी टेक्निक्स और कला की बात करूँगी। अवनींद्रनाथ ज़्यादातर वाटर कलर में काम करते थे, उनकी वॉश टेक्निक्स दुनिया भर की टेक्निक्स के साथ में उनके कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स भी थे। उन्होंने टेम्पेरा का और वॉश टेक्निक्स का जो प्रोसेस स्थापित किया था, वो स्कूल में सिखाया भी जाता है और वो टेक्निक्स के बारे में मैं आपसे बात भी करूँगी। फिर गणेश जननी, शाहजहाँ की मृत्यु और यात्रा का अंत जैसी बेमिसाल पेंटिंग्स देने वाले अवनींद्र आज भी हमारी कला को एक नई ऊर्जा देते हैं। उनकी मृत्यु के समय 1951 की बात है, बहुत सारा काम जो है वो हम तक पहुंचा भी नहीं था। उनके बेटे ने वो सारा काम सहेज करके रविंद्र आर्ट सोसाइटी को सुपुर्द कर दिया। आज भी वो कार्य उनका वहाँ पे देखा जा सकता है। प्रोफेसर आर शिव कुमार ने उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च की और उनके ऊपर एक पुस्तक भी जारी की थी। एक बात कहूँ आज आपसे, कला से हमारा जो जुड़ाव है ना, वो अद्भुत है। समय, देश, काल, परिस्थितियाँ, सब कुछ उससे जुड़ी हुई रहती हैं। कला सिर्फ कलाकार से महान या कलाकार से कला महान नहीं होती, एक काल पूरा महान बन जाता है
और इसी काल से जुड़े और भी सफ़े मैं आपके साथ पढ़ूंगी अगले शनिवार। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन, गुड बाय।